दुनिया को दे सकते हैं, केवल अपने गुरुजनों का नाम आपको समाज में मान के बढ़ाने में रोशन कर सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, उदाहरण आदमी घर से बन सकता है और उदाहरण जब बनने लगता है आदमी किसी जुनून को सवार कर लेता है, आदमी किसी जिद पर अड़ जाता है, आदमी जब कुछ ठान लेता है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आदमी देश और दुनिया में हमेशा अपने पता लगे क्यों लहराता है। ये आप यकीन मान लीजिए, आपके इतिहास पढ़े होंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, फिल्म मान सिंह तोमर आई थी और फिल्म मान सिंह तोमर मैं कोई इमान से भूलिया का दोस्त नहीं हूँ। मान सिंह तोमर जब आई थी तो इरफान भाई मेरे गाँव के रहने वाले हैं, जो उसमें एक्टर है। इरफान भाई के साथ जब जाना हुआ उन्होंने कहा आप फिल्म देखिए। अब सच्चाई ये थी कि मैं फिल्म देखता ही नहीं, मेरे पास टाइम तो नहीं है, काम काम बहुत सारे हैं, तो नहीं करता हूँ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ देश और दुनिया में नेतृत्व करने वाले आप लोगों के स्त्री जमुने के बच्चे होंगे। आप यकीन मानिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता था भगत सिंह जिंदाबाद, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, हमें बाद में मैंने पिताजी से पूछा नंदा भगत सिंह का परिवार कहाँ रहता है, घर वालों से मिलना है, वही तो पागल हो गया। जहाँ भी जाता वो सब ऐसी चीजें होती। 2011-12 में किराया ट्रेन में नहीं था, ट्रेनों के वो इधर उधर छिप छुपा करके और 22 स्टेट में जा पहुँचा। आपको देश के क्रांतिकारी परिवारों की एक उदाहरण देकर के अपनी बात पूरी करूंगा। यहाँ से दादा टोपे के परिवार को मैं तलाश में निकल पड़ा। मैंने सबसे पहले 1947 के प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी और शहीद थे अशफाकुल्ला खान साहब, उनकी मजार से शुरू किया शाहजहाँपुर से। उसके बाद दादा टोपे का इतिहास तो थोड़ा बहुत पढ़ा, उसमें ध्यान में आया कि वो शिवपुरी कोल्हापुर के आसपास महाराष्ट्र गया, वहाँ नहीं मिले। उन्होंने कहा कि वो ग्वालियर में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए। वहाँ गए तो उन्होंने कहा शिवपुरी जाइए। शिवपुरी में जैसे ही मैं बस से उतरा क्या, मैं कूदा ऊपर ऊपर चिपक के गया था बस में, लगा कि किराया नहीं था तो मुझे कूदा तो कूदते ही वहाँ सामने सामने मुझे टाटा टोपे की प्रतिमा नजर आई, बहुत सुंदर, घोड़े के ऊपर सवार उनके हाथ में बाला है, तलवार है, उसके नीचे ठेला लगा हुआ है। उस ठेले वाले से जाकर के मैंने कहा भाई ये टाटा टोपे का परिवार कहाँ रहता है, वो भावुक हो गया। मैंने कहा हुआ था आपको टाटा टोपे के परिवार से मिलने आया, बोले क्या से आपको कोई मिलने नहीं आया, पहले आपको लोगों से मिलने आया हो, मैं टाटा टोपे का परिचय हूँ तो मुझे बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए जिस आदमी को संसद में होना चाहिए था और सड़क पर ठेला लगाना है, जिसको ठेला लगाना चाहिए था वो संसद में देश का नेतृत्व कर रहा है। ये देश की दिशा और दशा तय करने का काम भारत का युवा कर सकता है, इसे भी नॉलेज के बच्चे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। जब कोई दूसरा बन सकता तो हम क्यों नहीं बन सकते। गीता भगवान पतिता भगवान की कहानी आप लोगों ने देखी होगी, उन बच्चों ने कितना संघर्ष किया है। मैं हम जो श्री कलपतरु संस्थान चलाते आप सब लोगों को जानकारी में होगा, लगभग लगभग आप लोग इसका उपयोग करते हैं, जो का उपयोग किया करो ब्रह्मांड को धन्यवाद दिया करो, और जितना सोशल मीडिया का उपयोग कर सको उतना राष्ट्र को किया करो। आप लोग वो सब कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मेरा पिछले 15 सालों से जो दिन बना हुआ है और आदत में आ गया कि ऐसा कोई दिन नहीं गया 15 सालों में जिस दिन मैंने पेड़ नहीं लगाया। दूसरा निवेदन, बिना सरकारी सहायता के 5,500 से भी पेड़ लगाकर बड़े करने का कार्य हमने किया है, जिसके लिए भारत सरकार ने प्रमाण पत्र दिया है, कई सारे अवार्ड दिए। आज बेटी बचाओ अभियान के तहत स्टनी मेमोरियल पीजी कॉलेज में आज विष्णु जी हमारे बीच में पढ़ा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम के साथ ही प्लांटेशन का कार्यक्रम भी रखा गया है।
जिसमें कि आज जो है इन्होंने 1000 पौधे लगाने का यहाँ पर प्रॉमिस किया है और वो पौधे बाकी स्टूडेंट्स हमारे जैसे नेक्स्ट प्रोग्राम में हैं उसमें लगाए जाएंगे। और हम जो पिछले 20 तारीख को था उसके दौरान भी मानसरोवर के अंदर हमारे कॉलेज के बच्चों ने सब ने मिलकर यहाँ प्लांटेशन का प्रोग्राम किया था। और इसलिए हम हमारे जो छात्र हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं और एनवायरनमेंट से काफ़ी कंसर्न रखते हैं, तो इस प्रकार के प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं जो कि हमारे पूरे समाज और हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो मैं आज जो विष्णु जी हमारे बीच में बधा रहे हैं, पवन जी बधा रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर।